एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। सोनाली फोगाट केस में आरोपी सुधीर और सुखविंदर को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीताराम येचुरी से मिलने सीपीएम ऑफिस पहुंचे। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर संघर्ष विराम का किया उल्लंघन, बीएसएफ के जवानों पर की फायरिंग। शराब घोटाला, दिल्ली सहित कई राज्यों में ईडी की छापेमारी, 30 ठिकानों पर चलाया सर्च अभियान। भारत अमेरिका के बीच बेहद महत्वपूर्ण है 2+2 बैठक। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना आज पीएम मोदी के साथ करेगी द्विपक्षीय बैठक। दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू से मिलेंगे बीजेपी विधायक। आज टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का मुंबई में किया जाएगा अंतिम संस्कार। और दक्षिण कोरिया में हिनाम चक्रवात से भारी तबाही, 20,000 घरों की बिजली हुई कुल्फ।